हे hey दोस्तों, कभी आपने सुना है कि 13 नंबर को क्यों अशुभ माना जाता है? तो चलिए आज हम बात करते हैं कि 13 नंबर को क्यों अशुभ माना जाता है। आप बचपन से ही यह सुनते आए होंगे कि अंकों में 13 अंक अशुभ माना जाता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी क्रिया की तारीख भी 13वें दिन करते हैं। दुनिया भर में इस 13 नंबर के डिजिट को दुर्भाग्यपूर्ण से देखा जाता है, इसलिए बहुत से लोग इस नंबर का उपयोग करने से डरते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 13 नंबर को ही अशुभ माना जाने लगा? तो आइए इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एक बार जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जिस शख्स ने विश्वासघात किया था वो उनके साथ 13 नंबर की कुर्सी पर बैठकर डिनर कर रहा था। माना जाता है कि तभी से लोगों ने इस अंक को अशुभ समझ लिया। इसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे थे लोग। 13 नंबर का डर इस कदर लोगों में बढ़ गया कि लोगों ने 13 नंबर को अशुभ मानना शुरू कर दिया और यहां तक कि कुछ लोगों ने तो होटल में 13 नंबर कमरे को किराए पर लेना भी बंद कर दिया। और वह 13 नंबर का डर इस कदर लोगों पर हैवी हो गया कि किसी बार या रेस्टोरेंट के मालिक ने 13 नंबर की टेबल लगाना ही बंद कर दिया। 13 नंबर का डर पश्चिमी लोगों में ही नहीं बल्कि भारत के लोगों पर भी 13 नंबर का डर सवार है। यहाँ भी बहुत से लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं। आपको यह बात शायद ही मालूम हो कि सपनों का शहर कहा जाने वाला चंडीगढ़, जिसमें हर जगह को सेक्टर में बांटा गया है, इस सपनों के शहर में सेक्टर नंबर 13 नहीं है। क्या आपको पता है? दरअसल इस शहर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट ने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया था, क्योंकि वह भी 13 नंबर को अशुभ मानता था। 13 नंबर को लेकर काफी लोगों ने यह कहा है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, क्योंकि 13 नंबर अशुभ है, इस कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह फैक्ट पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।